अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? आज मैं किचन में लंच बना रही हूँ और लंच में बन रहा है आलू की कतली, आलू की भाजी, आलू की सब्जी, आलू कांदा बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको आलू की कतली बोलते हैं। प्लेन कांदे, हल्दी, हरी मिर्ची, राई और कड़ी पत्ते में बनती है ये सब्जी। तो आप लोग बता देना आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उज़्मा को नहला के उस किचन में आई हूँ। मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह काम सब हो चुका है, सिर्फ ये आलू की कतली बनाना है, क्योंकि रोटी सुबह की है और कुछ बनाना नहीं है। थोड़े से चावल बना लूँगी मैं अपने और उज्मा के लिए और ये कतली बना लूँगी। और मैं बनाने वाली थी एक्चुअली में ये चिकन, जो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था अदरक लहसुन और नमक के अंदर, डिफ्रीज़र में रखा था तो ये फ्रोज़न हो गया है, तो मैं ये बना नहीं पाऊँगी अभी, तो इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया और मैं ये बनाने लग गई फिर लंच के लिए। इसको मैं डिनर में बना लूँगी, चिकन को मैं डिनर में बना लूँगी, तब तक के मैं इसको डिफ्रीज़र से निकाल के फ्रिज के अंदर रख दूँगी नॉर्मल होने के लिए। और मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा लिया है, सिंपल है, इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा राई ऐड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कांदे ले ली हूँ, कांदे को पतला पतला काट लूँगी, दो कांदे लिए मैंने। कांदे थोड़े ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इसमें और कुछ तो पड़ता है नहीं, सिर्फ आलू और कांदा ही पड़ता है। कांदा मीन्स प्याज, देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कांदा प्याज को बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट आते कांदा क्या होता है, कांदा प्याज होता है, तो ऐसा है। और अनियन, प्याज, कांदा, विच, तो ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे राई ऐड कर दी है और कड़ी पत्ता था नहीं, कड़ी पत्ता मिल रहा ही नहीं है हम लोगों के इधर पे, बंद है। तो जब बाज़ार खुला था अभी तो हम लोग को कड़ी पत्ता मिला नहीं, इसलिए मैंने कड़ी पत्ता ऐड नहीं किया। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया अनियन और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि थोड़ा तीखापन अच्छा लगता है, वरना आलू की वजह से थोड़ी मीठी लगती है सब्ज़ी, आलू और कांदा दोनों भी मीठा होता है तो मिठास रहती है आलू के अंदर, तो उसके लिए थोड़ी हरी मिर्ची मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है और बस इसको थोड़ा सा चला लेना है। और इसके अंदर आलू जो मैंने काट के रखे हैं वो मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू कढ़ाई को चिपके नहीं और आसानी से गल जाए। और इसको ढक के पकाना है, सिर्फ ये ढक के पकाएंगे तो हम 5 से 6 मिनट में ये आलू गल जाएंगे और हमारी टेस्टी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने साइड में चावल भी चढ़ा लिया है थोड़ा सा, तो बस अभी के लिए हो जाएगा हमारा लंच और शाम में बनाऊंगी मैं चिकन, तो ऐसा है। और यहाँ पे मैंने गैस चेंज कर दिया, स्लो पे मैंने सब्ज़ी कर दी और फास्ट पे मैंने राइस कर दिया। तो फाइनली देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, आलू अच्छे से गल गए हैं। सिंपल, अगर मेरे पास कोतमीर होती ना तो मैं कोतमीर ऊपर से डाल देती, कोतमीर भी नहीं है तो ऐसा है। उज़्मा क्या किया बेटा ये मुँह पे तूने? हाँ, इतना पाउडर भी लगा, ऊपर से काजल भी फैला ली। ओए पापा, काजल लगा ऐसा कैसा? कौन बोला हीरो बनने? हीरो बनने किसने बोला था? तो कौन लगाया काजल? कौन लगाया काजल? मैंने लगाई थी ना नहाने के बाद, वो जो भी लगाए। पर ये इतना सारा पाउडर किसने लगाया जो तुम्हारे चेहरे पे है? अब्बा दिए पाउडर। वो देखो वहाँ पे पाउडर रखा हुआ है ना। हाँ। तुम जाके आईने में देख के आओ तुम्हारा चेहरा कैसा दिख रहा है। रख दी गया।
कहाँ है? देखे क्या तुम्हारा चेहरा कैसे दिख रहा है? ये तुम क्या कर रहे? ये नानू का स्ट्राइकर है, ये इसके नानू का स्ट्राइकर है, मतलब इससे नहीं खेलते, बहुत सारे हैं उनके पास, तो ये इसको दे दिए, एक्सपायर हो गया वो स्ट्राइकर। तुम पहले आईने में जाके अपना मुंह साफ करो, चलो जल्दी से जल्दी। कैसे दिख रहे तुम? जल्दी साफा करो जल्दी। ये लो। दो, चलो खाना खाइए। ये क्या आया मैसेज? हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे पता है? नाश्ता खा रहे, नाश्ता। इनका नाश्ता अलग है, इसका नाश्ता अलग है। ये क्या कर रहे बताओ? चने खा रहे घोड़े जी। नहीं भाई, काजू बादाम किशमिश टाइम पास कर रहा हूँ, क्या करूँ? इसका आंदम तो है नहीं, गरीब आदमी और क्या कर सकता है। गरीब आदमी। और उज्मा क्या खा रही है पता है? देखिए तुम क्या खा रहे हो उज्मा, तुम भी बता दो। क्या खा रहे तुम? किसके साथ खा रहे कुरकुर? केचप कुरकुर खा रहे। अच्छा, उज्मा अभी सो के उठी है, तो ऐसा है। और अभी मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, उज्मा अभी सो के उठी है ना, तो अभी घर में बहुत चिड़चिड़ा माहौल रहता है जब उज्मा सो के उठती है, तो माहौल को थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए उसके सामने खाने पीने की चीज़ खोल के रखी थी कि उसको जो ठीक लगे अभी उठा ले, वरना वो चिड़चिड़ करेगी। तो घर में कुछ कर चाह के भी नहीं कर पाते हम लोग, नींद में उठने के बाद उसका चिड़चिड़ रहता ही है, 15 मिनट कंटिन्यूसली चिड़चिड़ करती है, उसके बाद ठीक होती है। तो अब जाके वो ठीक हुई है, तो अब जाऊँगी मैं चाय बनाने के लिए। और इनको तो देखो बाबा, सर मोदी का कमाल है, पहले नोटबंदी मिली, अब घरबंदी मिल गई। मतलब मोदी के जमाने में पहले नोटबंदी मिल गई, नोटबंदी, अब घरबंदी मिल गई है, बस एक बंदी और दिला दे। धन्य हो मोदी जी, धन्य हो। क्या? धन्य हो, धन्य हो। मतलब इनको मैं कम पढ़ रही हूँ, और 6-7-10-12 दिन की गालियां बढ़ानी पड़ेगी मुझे। तुमको एक बंदी कम पड़ रही है ना? मोदी जी दे दो, दे दो और एक एक बंदी। चलिए चाय बनाएंगे। सो यहाँ पे उज्मा और उसके अब्बा खेल रहे हैं, और मैं ब्लीच लगाने वाली थी आज, मतलब लगाने वाली नहीं थी, बैठे बैठे प्लान बन गया, घर में ब्लीच थी। मैं बताती हूँ आगे कैसे प्लान बना ब्लीच लगाने का। तो बस यहाँ पे मैं ना वही प्री ब्लीच होता है ना, जो ब्लीच के बॉक्स में आता है, प्री ब्लीच पोस्ट ब्लीच, तो वही प्री ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। और मुझे बहुत डर लगता है ब्लीच लगाने के लिए, मैं वो भी बताऊँगी आगे आप लोगों को फेस टू फेस क्यों डर लगता है। Thank you.
और यहाँ पे ब्लीच लगाने से पहले मैं अपने बाल अच्छे से बांध ले रही हूँ। वैसे ही मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, आगे से आपने देखा होगा दो चार बाल दिखते हैं मेरे वाइट, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ब्लीच लगे और ज़्यादा वाइट हो जाए मेरे बाल, तो ऐसा है। और यहाँ पे ना बाबू जो उज़्मा के पीठ की मालिश कर रहे हैं ना, तो उज़्मा की ये आदत सी बन गई है बाबू के सामने लेटने की, और या तो वो बॉल दे देती है बाबू के हाथ में, या तो कुछ भी बॉटल वॉटल कुछ भी दे देती है और बोलती मुझे मालिश करो। बाबू जैसे जैसे रुकेंगे वैसे वैसे बोलती है करो ना करो ना, उसको अच्छा लगता है। मेरा लगा के हो गया है ब्लीच, अभी इसको मैं सिर्फ 10 मिनट रखूंगी, 5 मिनट भी 15 मिनट नहीं रखूंगी, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद लगाया, नहीं बोल के भी 1.5-2 साल हो गया, तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में 15 मिनट के लिए नहीं लगा सकती। मेरे को डर लगता है ब्लीच लगाने के लिए, मेरे को होता है मतलब टैन हो जाती है मेरी स्किन ब्लीच से, क्योंकि मुझे वो एक्टिवेटर कैसे डालते नहीं समझ में आता, तो ऐसा इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लेती, मैं ब्लीच करती ही नहीं, लेकिन अभी था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कर लेते, तो लगा दी। वो भी मुझे बाबू ने याद दिलाया, मैंने नहीं किया, मेरे को बाबू ने याद दिलाया कि बच्चा घर में ब्लीच है क्या मेरी हाँ है, तो मेरे बोलते मैं आज लगाऊंगा शायद से, तो मैं बोली पहले मैं लगाऊंगी बाद में तुम लगाना, इंसान अपने चेहरे पर पहले एक्सपेरिमेंट करेगा ना बाद में उनको, क्योंकि गर्मी में ना ब्लीच से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, तो उसमें भी हीट होती है और गर्मी में, तो ऐसे तो पहले मैं लगाऊंगी ठीक ठाक है तो फिर उनको दूंगी लगाने के लिए तो देखो मैंने मुंह धो दी, ये बार बार बोल रही थी तुम मुंह धो ना तुम मुंह धो ना, मैं कैसे गले लगाऊ, कैसे बोल रहे थे तुम, ओ मेरे को बार बार आके गले लगाती ना, तो अभी पूछ रही थी मैं कैसे गले लगाऊ, मैंने फाइनली मुंह धो दिया, 12 मिनट के बाद मैंने मुंह धोया, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को इस बार कुछ टैनिंग वैनिंग नहीं हुई, मतलब मेरे को ना अचानक से फटाक से ब्लीच अगर थोड़ा सा भी एक्टिवेटर में ज़्यादा डालती हूँ ना, मुझे जजमेंट नहीं है ना, मैंने पता ही ना आप लोगों को कि वो कैसे बनाते, तो मेरे को यहाँ पर ना ज़्यादा टैनिंग हो जाता है, काला हो जाता है, और वैसे भी मेरे पे ना ब्लीच असर ही नहीं करती है, क्योंकि ब्लीच हम क्यों लगाते हैं, हमारे फेस के अनवांटेड हेयर जो है उसको बोल्ड करने के लिए, या तो कोई वैक्स करके निकलवा लेता है या कोई वैक्स नहीं करवा के ब्लीच से उसको बोल्ड कर लेता है ताकि फेस पे ग्लो बना रहे, लेकिन मेरे जो हेयर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ऑरेंज और गोल्डन होते ही नहीं है, जैसा है वैसे ही दिखता है फेस, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ब्लैकनेस ब्लैक शेड्स अलग ही दिखेगा क्योंकि वो हेयर का कलर है ब्लैक, तो ऐसा है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता मेरे को ब्लीच लगाने से। जाना तो अभी मेरी बेटी है ना यहाँ पे ABCD पढ़ रही थी, बताओ ए बनाओ, ए पकड़ो, अच्छा ये वाले चौक से बनाओ, चलो कौन सा, उज़्मा लेफ्टी है, उसके अब्बा भी लेफ्टी है, उज़्मा भी लेफ्टी है, सही पकड़े है, मैं भी पकड़ते अभी थक गई, उज़्मा जब पैदा हुई थी ना तो फर्स्ट डे से मुझे पता है कि वो लेफ्टी है, फर्स्ट डे से वो यूं है ना अपना मुंह पे ना ये वाला हाथ रख के सोती थी ऐसा, और कुछ भी करना होता था उसके ये हाथ में प्रेशर था, इवन वो मेरे जब पेट में भी थी ना तभी भी उसका यही हाथ वो ज्यादा हिलाती थी, ये इस साइड पे ज़्यादा हिलता था मेरे को जब वो पेट में थी तब से ही पता चल गया था वो लेफ्टी है, और जब वो दुनिया में आई तभी तो कन्फर्म ही हो गया था, बट मैंने बहुत कोशिश की कि उसको सीधे हाथ से करवाने की, लेकिन वो सीधे हाथ से कुछ नहीं करती है, ए ना सीधे पकड़ना, टाइट पकड़ना, हाँ पार्टी सीधे पकड़ो पार्टी, ए ए टेढ़ा हो गया, फिर से ए ए टेढ़ा हो गया, मैंने बहुत कोशिश की उसको सीधा हाथ से करवाने की लेकिन नहीं होता है, बच्ची है अभी क्या करेगी, अभी नहीं हो रहा है उससे, होते कोई कोई लोग लेफ्टी, उसके अब्बा भी लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं, मतलब सारे काम लिखने के करने के सभी लोग लेफ्टी है, बाबू भी लेफ्टी हाथ से ही बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हाथ से ही लिखते हैं, वैसे ही सब उज़्मा भी है, बट खाना सीधे हाथ से खाते हैं दोनों के दोनों, तो ऐसा है, उसमें मेरे को कोई हर्ज नहीं है, मेरी बेटी लेफ्टी है तो भी, तो ऐसा तुम कुछ मत करो, तुम इसको पोछो, ये लो डस्टर, और मैं अभी जा रही थी खाना बनाने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था दोपहर के वक्त कि मैं चिकन बनाऊंगी आज, जो चिकन मैरिनेट करके रखा है मैं वही बनाने वाली हूँ, उसको मैंने निकाला था डिफ्रीज़र से और फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा ताकि वो नॉर्मल कंडीशन में रहे, वापस से बर्फ़ ना बने, तो वो अभी नॉर्मल हो चुका है, तो बस मैं उसी को बनाने जा रही हूँ, बट उसकी रेसिपी आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दे दूँगी, क्योंकि अगर ये व्लॉग में मैं रेसिपी दूँगी अगर मैं चिकन की तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे हैं बाजी ब्लॉग छोटा कीजिए, इतना लंबा ब्लॉग मत बनाइए,
तो मैंने भी सोचा ठीक है ब्लॉग थोड़ा छोटा ही करते हैं। तो उसी के साथ ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उज़्मा बोलो अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। दुआ में याद रखना। हाँ सब्सक्राइब करो ना प्लीज, अगर मेरे चैनल पे नए हो या पुराने से देख रहे हो मेरे ब्लॉग और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं पता सब्सक्राइब कैसे करते हैं तो मैं बताती हूँ। मेरा जो चैनल नेम दिख रहा है आपको, उसके बाजू में एक ना रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस पर फिंगर वाला टिटिंग तो ग्रे कलर का हो जाएगा, मतलब आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसको प्रेस कीजिए, फिर बाद में वहाँ पे ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर ऑल, तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके नहीं एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम है ना बोला था ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो वहाँ पे कमेंट भी आया था बाजी मुझे नहीं आता सब्सक्राइब कैसे करते, तो मैंने बता दिया अभी सब्सक्राइब ऐसे करते, वो लाल का बटन दिख रहा है ना, लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब लिखे वहाँ पे, अगर सब्सक्राइब पढ़ने भी नहीं आता आपको इंग्लिश भी नहीं आती ना, तो वहाँ पे रेड कलर का बटन इतना ऐसा उस पर क्लिक कर लो, बस सब्सक्राइब कर लिया आपने मेरे को, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, वीडियो को लाइक कर देना।